हमारे देश में अलग अलग इलाकों में खाप पंचायतों का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। हर इलाके और वर्ग के हिसाब से इन पंचायतों के अपने नियम कायदे होते हैं जो संबंधित समाज को मान्य। सारा समुदाय के लोग अक्सर मेहनतकश के रूप में जाने जाते हैं। इस जाति की पंचायत में किस तरीके से पारिवारिक विवाद और झगड़े निपटाए जाते हैं, आज हम आपको दिखा रहे हैं आगर मालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर है एक नई तरह की चौपाल लेकर। मैं हूं जफर मुल्तानी आगर मालवा से एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए। आप जो देख पा रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए, यहाँ पे खास तरह के लोग बैठे हैं। यहाँ पे एक खास समाज, एक खास वर्ग से आते हैं, ये अलग अलग गाँव से, अलग अलग इलाके से मध्य प्रदेश के आए हैं। आगर के अलावा और भी जो आसपास के जिले हैं उस गाँव से आए, खास तौर पर जो है ये बंजारा समुदाय से आते हैं, जो कि घुमक्कड़ जाती है और अपना मेहनत के लिए जानी जाती है। अलग अलग जगहों पे जाकर इनके लोग कमाना खाना जानते हैं। आप सोच रहे होंगे इतने सारे लोग आज क्यों जमा है, तो मैं आपको बता दूं, बंजारा समुदाय में एक परंपरा है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि खाप पंचायतों का अस्तित्व हमारे हिंदुस्तान में कई जगह पर आज भी है और उनके फैसले माने जाते हैं। ऐसी ही पंचायत बंजारा समुदाय में तब होती है जब परिवार में, रिश्तेदारों में आपसी विवाद होते हैं। आज भी ये पंचायत जो हो रही है ऐसे ही एक रिश्तेदारी के विवाद को लेकर, सगाई के विवाद को लेकर हुई है। यहाँ पे तमाम अलग अलग गांव के जो समुदाय के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस समुदाय में खास तौर पे माना जाता है कि जो ये लोग बैठे हैं, अलग अलग पंचायतों के अलग अलग प्रतिनिधि लोग अलग अलग गांव से आए हैं। कोई उज्जैन से आए हैं, नागदा से आए हैं, खाचरो से, शाजापुर, राजगढ़, अलग अलग जिले। ये समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल इसलिए आते हैं कि परिवार में जो विवाद हो जाए, सगाई या विवाह को लेकर किसी तरह के विवाद होते हैं, तो उनमें झगड़े ना बढ़े, वो थाने कचहरी ना पहुंचे, कोर्ट में ना पहुंचे, उनके सुलझाने के लिए इस तरह की पंचायतें समाज करता है। हम जानने की कोशिश करेंगे जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद है, कितने सालों से इस तरह की पंचायत यहाँ पर आप अटेंड करते रहे। आपका क्या नाम है? बालू सिंह। बालू सिंह जी, कौन से गाँव से हैं आप? उमरी। उमरी से। बालू सिंह जी, आप बताओ कि इस तरह की पंचायतें आप कितने साल आप देखते आ रहे हैं? ये उम्र ही होगी हमारी देखते देखते, लगभग फिर भी कितना, 60-70 साल हो गए मेरे। 60-70 साल से हैं। ऐसी पंचायतों में कभी आपने देखा है कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है कि आपसी सहमति सबकी बन जाती है? आपसी हो जाती है, आपसी सहमति से सब विवाद हल हो जाता है। तो आपसी सहमति से विवाद हल करने की यहाँ पे कोशिशें होती है। इनका एक ही प्रयास होता है कि समाज में जो विघटन हो रहा है आपसी झगड़ों की वजह से, वो ना हो, समाज मजबूत रहे, जिससे उनका देश और प्रदेश और राष्ट्र जो है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। हमारे साथ ही हम एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे, आज शायद आपके यहाँ के जो ठाकुर है, मैं आपको दर्शकों को एक बात और बता दूं कि जिस तरह की जो पंचायतें होती है उसमें एक रिवाज है कि जो अलग अलग पंचायतें होती है, चौपाल होती है, उसमें समाज का एक प्रमुख उसी दिन चुना जाता है, सब जितने भी गाँव के लोग के समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा, और उसको ठाकुर की पदवी दी जाती है और उसके द्वारा जो निर्णय होता है वो सबके लिए मान्य होता है। तो आपका क्या नाम है? बने सिंह गरासिया जी। बने सिंह जी, आज ठाकुर साहब, आज की पंचायत के आप ठाकुर हैं, आप ये बताइए कि क्या है ये पूरी पद्धति आपके? ये हमारे ग्राम उमरी के जो कैलाश जी गोड़ हैं उनके बच्ची की सम्मत किया था, यहाँ चिकली जगदीश कछाव के यहाँ, उसके लिए विवाद चल रहा था, तो ये आज मैंने इनको इकट्ठा किया और ये पंचायती बिठाई और इनका निर्णय आज होने। तो आज के ठाकुर साहब आप हैं, आप ये बताइए कि आपका हल किस तरह से करते हैं, लोगों से किस तरह से बातें आती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है उसकी, विवाद क्या हल करने ये, ये ये फैसला करते हैं साहब। वो सामने वाला जो जगदीश है वो अलग चल रहा है कि मैं आपकी लड़की नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और वो कहता है कि मैं लड़की आपको पढ़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए विवाद हुआ, तो हम ठाकुर साहब को इनने पुकारा और हमने पंचायत इकट्ठी की और इनका पंच फैसला करें। तो सगाई के विवाद से बच्चन जो परिवार में आपसी झगड़ा होता है उससे बचने के लिए समाज के द्वारा पंचायती की गई है। आप उज्जैन जिले से भी आप यहां पर मौजूद है समाज के प्रतिनिधि के रूप में, आपका क्या नाम है? बापू सिंह चावड़ा, अमरपुरा रहता हूं मैं। बापू सिंह जी, कहां से आए आप? मैं उज्जैन जिले से हूं, अमरपुरा गांव में मेरा। बापू सिंह जी, आप पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों के लिए कि इस तरह की पंचायतों का क्या महत्व है, क्यों आयोजित की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे समाज में एक रीति रिवाज है कि हम क्या है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों की हम शादियां कर देते हैं, सगाई करते हैं, और जब मान लिया जाए कोई दोनों के परिवार के बीच में जहां संबंध हुआ है उनमें विवाद होता है, तो फिर क्या है कि वो समाज के इकट्ठा करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं कि हमसे कभी लड़ाई हो जाए, हमारे बीच में कोई ज्यादा विवाद पैदा हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं समाज को इकट्ठा करते हैं, और जो आदमी गलत होता है उस आदमी को गलत करते हैं, जो आदमी सच्चा होता है उसे सच्चा करते हैं। तो हमारे ये रिवाज है कि भाई क्या है कि हमारी एक नीतियां हैं
कि करीबन करीबन हमारे द्वारा, समाज के द्वारा तीन बार जिस व्यक्ति गलत है उसको तीन बार बुलाया जाता है बुलवा दे करके, और वो अगर व्यक्ति नहीं आता है तो फिर उसको हम गलत मानते हैं, उस व्यक्ति को गलत मान करके उस आदमी से कहते हैं कि भाई तू गलत है और ये तेरे यहाँ संबंध जो करना चाहता था पर तूने ठीक व्यवहार नहीं किया इसलिए अब तेरे यहाँ संबंध नहीं रखना चाहता ये बंदा, अब ये कहीं भी करे तो तेरी कोई दावा आपत्ति नहीं होगी। तो जो तीन बार आ जाता है, तीन बार बुलावे में जाता है, भेजते हैं, अगर नहीं आता है तो वो गलत माना जाएगा। अगर दोनों पार्टियां तीनों बार में आई है तो नहीं, जो तीनों पार्टियां नहीं, दोनों पार्टियां भी अगर मान लो एक ही रोज अगर आ जाती है तो तत्काल फैसला हो जाता है, पर जो बंदा अगर मान लो गलत है वो नहीं आता है, अब वो नहीं आता है तो इसलिए चाहते हैं कि भाई तू गलत है इसलिए तू गलत ही रहेगा। अच्छा, ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा ये करीबन मान के चलिए कि जहाँ से समाज पैदा हुआ है, जहाँ से समाज पैदा हुआ है उसी वक्त से आ रही है, और हमारा सीधा सीधा तरीका ये है कि भाई अगर हम झगड़े लड़ाई अगर करें तो हमको पुलिस में जाना पड़ेगा, रिपोर्टें होगी, हमको तहसील कचहरी करना पड़ेगी, हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, और ये बंदे कम से कम बैठ करके अपना 100-200-400 जो भी खर्चा होता है इन लोगों का तो ये भुगतान करते हैं, समाज अपने तरीके से अपने घर चले जाते हैं, पर इनको लड़ने नहीं देते हैं, हमारा सीधा मकसद ये है। और आइंदा के लिए कोई अगर गलत काम करता हो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिले कि भाई अगर तूने गलत किया है तो तू क्या है कि समाज में गलत माना जाएगा। तो ये एक अच्छी परंपरा दिखती है कि पुलिस कचहरी से बचाने के लिए समाज के जो प्रमुख उनके द्वारा बताया गया हमको कि उससे ये चलाया जाता है, तो कहाँ से चली आ रही है? बाबा रूप सिंह जी का इसमें बड़ा महत्व माना जाता है, क्या उनका स्थान है समाज में, किस तरह से आप उनको बताना चाहेंगे? बाबा रूप सिंह जी चली आ रही है, बामणिया में उसका स्थान है, उनको मानते हैं, उनसे परंपरा हमारी चली आ रही है, उससे हम ये पंचायती निर्माण करते हैं। तो कोई कहानी ऐसी आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे बाबा रूप सिंह जी के संबंध में? अरे हमारा देवता है साहब, वो हमारा बाबा है, वो पूरी हमारे कुल देवी का, वो हमारा समाज का देवता है, उसके लेके चलते हैं और उसके बगैर हम पंचायती भी नहीं करते हैं, और उसकी कसम उसको हमारी समाज मानती है उसको, उसके बाहर नहीं निकलते हम साहब। तो बाबा रूप सिंह जी का बड़ा स्थान समाज के अंदर है। और भी प्रकाश जी, आप तो काफी सक्रिय हैं और आधुनिक युग से इस तरह की गतिविधि होती है यहाँ पे, इसको पूरी संपादित करने के लिए आप बताएं। जैसे कि ये क्या हमारे समाज का एक बैठक होती है, सामने वाले कोई लड़ाई झगड़ा भी आपस में कोई जमीन जायदाद का रहता है, कोई सगाई का रहता है, जो पंच जो फैसला करती है सबको मान्य रहता है, अगर मान लो कि वो कोई पंच का फैसला अगर मान्य नहीं करता है तो उसको हम समाज से बाहर भी कर देते हैं। अच्छा, तो उसकी लिखा पढ़ी भी कुछ होती है आप लोगों के यहाँ? आप दिखा सकते हैं, अगर इस तरह का कागज तैयार किया जाता है, समाज के पंचों की राय इसमें लिखी जाती है, दस्तखत इसमें किए जाते हैं, तो सारी कहानी लिख के फिर वो फैसला किया जाता है, आप बताना चाहेंगे कुछ नई चीज इस पंचायत के बारे में? यही जाति समाज का फैसला मानना ही पड़ता है उसको, कैसे भी नहीं मानता है तो उसको जाति से बहिष्कार किया जाता है, जाति से बहिष्कार भी, हाँ उसको जाति से बाहर कर देंगे, तो उसके पास में कोई खाना पीना नहीं करेंगे, उसको कोई बुलाएगा नहीं, जाति समाज से बढ़ के नहीं हो सकता कोई। तो समाज की कितनी परंपराएं हैं हम देख सकते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, जितने कोने में हम जाएंगे अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हमको वहां दिखने को मिलेगी, हर एक वर्ग का अपना एक निजाम होता है जिसके तहत वो चलते हैं। आज जिसके लिए पंचायत बुलाई गई है वो भी एक प्रतिनिधि हमारे साथ है। कैलाश जी, आप बताएं कि आप ये बताएं कि आज क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग, किस तरह का मामला है? मेरी बाल्यकी की सगाई करी थी यहाँ चिकली, उसके लिए बुलाया था, और पूरी समाज ने एक नर्ने किया, उसका धनी बना है गोकुल चौहान उमरी वाला, इसने कहा 2 महीना में मैं बिठा दूंगा, अगर फैसला नहीं होगा तो उसकी जवाबदारी मेरी है, ये धनी बना, अपना धनी अभी ये है, वो चोर गया अब धनी हो गया। अच्छा ठीक, मैं कैलाश गौर सरपंच। तो जो फैसले होते हैं पंचायतों में आप सब लोगों को एक जैसे स्वीकार होते हैं? हाँ सभी को, सबका स्वीकार होने के बाद भी उसका निर्णय लिया जाता है, इसीलिए पंचायत कोई भी अगर कोई गलत होता है ना तो उसको सही करने के लिए बैठते हैं, अगर कोई आदमी झूठ है तो उसको बुलाते 3-4 बार। तो ये इस तरह से गतिविधि होती है और आम सहमति जो फैसला बनता है समाज के सभी वर्गों के मानना पड़ता है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।